महीने हो गए हैं, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं आप क्या करेंगे। तो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 500 बेड का इनकेफलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर भी गोरखपुर के आसपास खोला जाए, क्योंकि 25 साल में 25,000 बच्चों की मौत हो चुकी है और 1,00,000 से ज़्यादा बच्चे अपाहिज हो चुके हैं। इसके अलावा मैंने एक सेकेंड एडिशन ऑफ मणिपाल मैनुअल ऑफ क्लिनिकल पीडियाट्रिक बुक लिखी है, जो कि जल्दी रिलीज होने वाली है। हम लोगों ने ऑल इंडिया के रिनोव्ड हेल्थ एक्टिविटीज, नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एक्टिविटीज को मिला के एक हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन स्टार्ट किया है, जो कि ये 10 मांगे करेगा। एक हेल्थ पॉलिसी बनाया है हमने, प्रपोजल हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएंगे और जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट करेगी, अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी, 2019 इलेक्शन में हम उसका सपोर्ट करेंगे। रिसेंट यूएन की रिपोर्ट में अभी आया है कि 8,00,000 बच्चे 2017 में, नवजात बच्चे की मौत हो गई है। हमारा हेल्थ सिस्टम जो है अभी भी 1.2% ऑफ जीडीपी खर्च करता है। 1.5 लाख वैकेंसियां अभी हेल्थ सेक्टर में खाली पड़ी हुई हैं। जीएसटी रेट जो 18% है हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ओपीडी की दवाओं में, उसको 5% किया जाए, जीडीपी को 1.2% से 2.5% बढ़ाया जाए, एनआरएचएम के सारे इंप्लॉइज को रेगुलराइज किया जाए, इक्वल पे इक्वल वर्क की पॉलिसी उनको दिया जाए, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को मिनिमम इनकम 15,000 से 20,000 फिक्स सैलरी की जाए। ये सारी मांगों के साथ हम लोग जल्दी सारी पॉलिटिकल पार्टी से मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने मैनिफेस्टो में इसको इंक्लूड करें। थैंक यू।